आज हम लोग सब यहाँ पे जितने भी इकट्ठे हुए, जितने भी यूनाइटेड हुए हैं, वो मेरा काबिलियत की वजह से नहीं हुआ। हम लोग आज सब यहाँ पे एक साथ है क्योंकि वो पिताजी की वजह से है। सब कहते हैं हाँ मैं गया दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लेकिन किसके वजह से? जो आज मेरा सोच है, जो मेरा विचार, जो मेरा बोली, मतलब जो भी मैं हूं आज, वो सब आप लोगों के वजह से। क्योंकि 2009 में आप लोगों ने पिताजी को इलेक्शन जिताया था, उसके वजह से ही मैं वहां जा पाया। और आज जितना भी नॉलेज, जितना भी ज्ञान जो भी है, आज जो जितना भी मेरे साथ है, वो सब आप लोगों की वजह से। और पिताजी के जाने के बाद मेरा भी उम्मीद एकदम सा खो गया था, हमारे परिवार भी एकदम से टूट गए थे। तब हमारे परिवार के साथ देना और मेरे हाथ पकड़ने वाले आप लोग ही है। और आज इस इलेक्शन में उसी उम्मीद के साथ आप लोगों का भी उम्मीद जुड़ा हुआ था पिताजी के साथ, उनके साथ साथ आप लोगों का उम्मीद भी गया। तो जब आप लोग, जब मैं अकेला रह गया, हमारे परिवार अकेला रह गया, तब आप लोगों ने साथ दिया, तो मैं आप लोगों का साथ कैसे छोड़ूं? पिताजी छोड़कर तो गए हम सबको, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा, मैं भी उनका बेटा हूं, उनके बदन में जो खून था वो भी खून आज मेरे रगों में भी है। पिताजी गए तो जरूर, लेकिन आज उनका बेटा को आपके सामने रखकर गया ताकि वो आप लोगों के साथ और लंबी समय रहे। और उसी के साथ ये इलेक्शन इमोशंस की है, ये इलेक्शन कोई चुनाव नहीं, एक भावना है। तो किसी को भी हम अपने लोगों के भावना के साथ खेलने नहीं देंगे। और आप लोगों ने जो विश्वास और भरोसा आज मुझ पे रखा है, तो वो भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा। और ये इलेक्शन हमें जीतना तो जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? उसका ये मतलब नहीं कि हमें किसी से दुश्मनी है। और हमें ये जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि जरूरी है कि अच्छाई निकल कर आए, जरूरी है कि सच्चाई निकल कर आए, जरूरी है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन पढ़ लिख कर आगे बढ़े
और हमारे कंस्टिट्यूंसी को आगे लेकर जाए। आपको गांव गांव की तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक की तरफ से? ओके, थैंक यू सो मच एस्टिन टुडे फॉर कवरिंग आवर टुडेस इवेंट। आज तो है लास्ट कैंपेन और रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है हमारे जितने भी गांव हैं। और एक्चुअली कहा तो नहीं जाना चाहिए, फिर भी इस तरह से बता गया है कि लाजू में लाजू एरिया कहा जाता है आजकल, तो उसमें 11 गांव हैं। और फिर दादम एरिया भी कहा जाता है, तो उसमें भी आपका 8 गांव है, 7 या 8 गांव होंगे। और फिर आपका खेती और थिंसा, तो इस तरह से पॉलिटिकली सबको डिवाइड करके रखा है। तो वो सब चीज़ हमें शायद सिलेक्शन के बाद हम उसको यूज़ करना भी छोड़ देंगे। तो बात यह है कि यहाँ पे जितने भी 11 गांव में गए हम लोग आसपास, वहाँ से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, मतलब दिल खोल कर आया सब लोग। तो उम्र भी फ़र्क नहीं पड़ा उसमें, 4 साल के 5 साल के बच्चे से लेके पूरे मतलब 60+ की उम्र लोग सब आए, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और इस बार मैं एज अ कैंडिडेट नहीं बोल रहा, इस बार आवाज़ पब्लिक से आ रहा है, तो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। तो सर, जैसा आप अभी हमें स्पीच में कह रहे थे यूथ के ऊपर में, तो अगर आपको पब्लिक को सेवा करने का मौका मिला एस एमएलए, तो आपको लिविंग दे अदर डेवलपमेंट सेक्टर असाइड, आपको यूथ्स के डेवलपमेंट के ऊपर में क्या प्लान है? यूथ्स के डेवलपमेंट को लेकर, यूथ्स भी मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे कैटेगरीज है, जो स्कूल्स में है, जो क्लास 10 तक है, या फिर और जो कॉलेजेस में भी है, और उसके बाद जो मतलब कॉलेजेस हो गया उनका ग्रेजुएशन फिर भी जॉब नहीं मिल पाया, वो भी एक कैटेगरी है। तो बहुत सारे कैटेगरी है एज ए यूथ, ये सारे सब आते हैं यहाँ पे। तो स्कूल्स में जो है अभी भी, उनके लिए तो हमारे तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट जो भी होगा वो हम देखेंगे। और जो अभी कॉलेज में जा रहे हैं, और कॉलेज जाने से पहले जिसको एंट्रेंस वगैरह के लिए जो भी कोचिंग्स लेना चाहते हैं, उनको हमारे तरफ से ज़ोरदार सपोर्ट मिला जाएगा। और जितने भी यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है, उनको तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारिए, इस बार हम लोगों का शुरुआत है, इस बार हमारा टाइम आ गया है। तो यूथ के लिए बहुत सारे स्कोप से, वैसे टूरिज्म एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लेकिन वो जल्दी नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा। और फिलहाल के लिए तो हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस भी खोल सकते हैं, उसमें भी जो आइडियाज़ होगा, जो भी आपका सिस्टमेटिक वे में, हम लोग पूरा उनको हेल्प करेंगे। और जितना भी अगर गवर्नमेंट के तरफ से कुछ स्कीम्स वगैरह आते हैं ये सब स्टार्टअप्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उनका भी हम उन लोगों के साथ यूथ को भी जोड़ेंगे, अवेयरनेस कराएंगे, तो ट्रेनिंग्स वगैरह भी दिया जाएगा। और जो बहुत जेन्युइनली काम करेंगे उनको तो हमारे तरफ से बहुत ज़ोर का सपोर्ट मिलेगा। तो यूथ्स को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग गिव अप मत कीजिएगा, और हिम्मत बनाए रखिए, और जितना आइडियाज आते हैं आपको बिजनेसेस में जो सोसाइटी को बेनिफिट करते हो, या फिर जिस तरह से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसके आइडियाज का बना के रखिएगा, और इस बात जीतेंगे ज़रूर, तो हम आप लोगों के साथ बहुत ज़ोर से देंगे। सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपके 56 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मिलाकर और 4 कैंडिडेट्स हैं, मतलब इन टोटल 5 है, और मोस्टली सब लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या लगता है आपका कंपटीशन कैसा रहने वाला है? यही तो बात है, एक्सपीरियंस सब लोग वही कह रहे हैं। और जिस तरह से मैं देखता हूँ कि इलेक्शन है, कोई एग्जाम नहीं कि हम एक्सपीरियंस गेन करें, तो एक्सपीरियंस तो उन लोगों को मिल चुका है, और उन्होंने अगर काम किया होता तो आज शायद से जनता सारा उनके साथ होता, तो उनका एक्सपीरियंस के चक्कर में हमारे जनता सब पीछे चले गए, डेवलपमेंट पीछे चला गया। तो मेरा एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस की बात करें तो सच है कि मेरा नहीं है पॉलिटिकली, और इस बार भी मैं कोई अपना एक्सपीरियंस बनाने नहीं आ रहा इस इलेक्शन में, मैं अपने लोगों के लिए, अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करने आ रहा हूँ। तो हाँ, तो सर फाइनली नॉट ओनली टू द 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे पूरे तिराप डिस्ट्रिक्ट के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, यूथ को मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार सीधा हमारे हाथ में आया है जो जिम्मेदारियाँ हैं, हमारे सीनियर्स ने भी हम लोगों को भरोसा करके आज हमारे साथ दे रहे हैं। तो मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए, और हमारे सीनियर्स को भी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका गाइडेंस हमें बहुत ज़रूरत है। सोसाइटी हमसे ज़्यादा उन लोगों ने देख कर आया है, कल्चर उन लोगों ने हमसे ज़्यादा निभा कर आया है, तो यूथ को तो मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा,
लेकिन आप सही DPR बना के लाइएगा, स्टार्टअप बनाओगे तो वही कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, और जो भी आज बाकी जो स्कूल्स में हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर क्लास 8 में फेल हो गए, 9 में फेल हो गए, 10th में भी फेल हो गए, आप गिव अप मत कीजिए, स्कूल मत छोड़िए, आप री से फिर पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन के साथ बहुत सारे दरवाजा खुला जाता है, तो आप प्लीज़ एजुकेशन को गिव अप मत कीजिएगा। So right now we have with us K. Sumnyan, National Congress Party President of Tirap District. तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तिराप डिस्ट्रिक्ट में NCP का क्या माहौल है, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा जाने वाला है? थैंक यू सो मच मीडिया ईस्टर्न न्यूज। मेरा यहाँ तिराप डिस्ट्रिक्ट में मतलब 3 कैंडिडेट हैं। 54 में है मतलब नॉलिंग बॉय, 57 में है जुबांग हुसैन, 56 में है यंगसेन माते। अभी तो दमाली का जो सिचुएशन है हम उस दिन भी देख के आया, मतलब टॉप 5 में है, लेकिन हम लोग का NCP विंग होना है, मतलब बहुत अच्छा है वहाँ का, और ये जुबांग होसाई का भी बहुत अच्छा ये है, मतलब हम आज सुबह भी टी तकलोक से मिला था तो उन्हें बोला है कि हम लोग विंग होगा। और यंगसेन माते का तो आप खुद देखा है कि यहाँ का आज का माहौल मतलब लाजू वाला बोला है कि 3,000 ऊपर तक हम लोग मतलब वोट देगा, बाकी खेती थिंसा है और दादम एरिया का है उस तरफ से तो हम लोग को मतलब मिलेगा ही मिलेगा। मतलब तो जैसा मतलब फॉर्मर JPM ने अनाउंस किया कि 2,000 लगभग हम लोग का दादम एरिया से मिलेगा, वो होने से तो हम लोग मतलब विंग हो जाए। जय 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 जय
जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,